हेलो गाइस, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं मोटो फ्यूल। और आज अपन देखने वाले हैं रेनो की काइगर वर्सेस निसान की मैग्नाइट। तो दोनों बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव कार्स हैं। और निसान मैग्नाइट जब लॉन्च हुई थी तो बिल्कुल उन्होंने सेगमेंट हिला दिया था। कॉम्पैक्ट एसयूवी एशियन एनकैप में 4 स्टार लेने वाली कार आपको जो है 4.99 लाख से स्टार्ट होती हुई दिखती थी। तो आप समझ सकते कितना कॉम्पिटेटिव जो की अभी सेगमेंट बन चुका है। और इसी को जो है टक्कर देने के लिए सेम प्लेटफॉर्म पर जो प्लेटफॉर्म यूज हुआ था निसान मैग्नाइट में CMF-A+ प्लेटफॉर्म, सेम प्लेटफॉर्म जो अब आपको रेनो की काइगर में भी मिलेगा। तो दोनों गाड़ियां आप जो है एक दूसरे की सबसे बड़ी राइवल्स है, तो उन्हीं को अपन देखने वाले हैं। तो अगर आप इन दोनों में गाड़ी में से किसी को कंसीडर कर रहे थे तो एंड वीडियो तक आपको जो है ये सिंपलीफाई हो जाएगा कि आपको कौन सी गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए, कौन सी को नहीं कंसीडर करना चाहिए। सो बस ज्यादा डिले नहीं करते, स्टार्ट करते। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन एक्सटीरियर के, एक्सटीरियर में क्या क्या मिलता है। तो गाइस एक्सटीरियर में आप देखें, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रेनो की काइगर से। तो बहुत ज्यादा जो है आपको मिलता जुलता है, आपको क्विड से इंस्पायर्ड लगती है। तो क्विड नहीं गाइस, ये रेनो का ही जो है सिग्नेचर डिजाइन है। तो लेकिन जो है आपको ऐसा लगेगा कि क्विड जो है थोड़े स्टेरॉइड वगैरह लेके जो है आपको मिल रही है काइगर के रूप में, तो वही सब है। सबसे पहले अपन देख ले, देखिए आपको बहुत बड़ा जो है रेनो का लोगो मिलता है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते फ्रंट में। और जो ग्रिल है आपको बिल्कुल जो है क्विड की स्टाइल मिलती है। DRL यूनिट मिलता है इसमें आपको, जो है इंडिकेटर जो है इंटीग्रेटेड है। नीचे आपको जो है बहुत ही स्टाइलिश जो है 3 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। और इसमें 100% LEDs यूज करेगी, मतलब जो आपको मिरर्स में मिलेगी वो भी LED मिलेगी, जो टेल लाइट है वो भी आपको LED मिलेंगे। तो पूरी गाड़ी जो है आपको LED जो है सेटअप के साथ आएगी, लाइट्स के सेटअप के साथ आएगी। 3 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। और फ्रंट आपको बहुत ज्यादा जो है इंस्पायर्ड लगता है क्विड से। और जो इसका थोड़ा सा बोनट है, थोड़ा सा जो है शार्प एजेस के साथ आता है, तो बहुत ज्यादा मस्कुलर फील देता है। साइड प्रोफाइल भी अच्छी खासी इसकी मस्कुलर है, और उसमें आपको जो है आर्चेस दिख जाते हैं बड़े बड़े, थोड़ा सा SUV लुक देने के लिए, क्योंकि इसका डायमेंशन थोड़ा बड़ा है तो आपको काफी वाइड जो है आर्चेस इसमें मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ी नोटिस चीज जो है साइड प्रोफाइल में वो है गाइस इसके अलॉय व्हील। तो इसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, CNC कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, मतलब ये पेंटेड नहीं है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। और इसमें जो है आपको 16 इंचेस का रिम साइज मिल जाता है। उसके साइड में आप देखिए तो ये रेनो की बहुत सारी गाड़ियों में मिलता है, बहुत बड़ा जो है आपको डोर प्रोटेक्टर ब्लैक कलर का मिलता है, थोड़ा सा SUV लुक देने के लिए। उसके ऊपर जो है आपको डोर हैंडल्स जो है बॉडी कलर्स मिलेंगे। इसमें आपको छोटा सा टचअप जो है दिया गया है फ्रंट में डोर हैंडल के पास। उसके बाद ए पिलर ब्लैक्ड आउट है, बी पिलर ब्लैक्ड आउट है, सी पिलर ब्लैक्ड आउट है। लेकिन इसमें जो है एक फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट जो दिया गया है साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं। तो साइड प्रोफाइल इसलिए सेम लगती है क्योंकि देखिए सेम जो इनका डायमेंशन है निसान मैग्नाइट का भी काइगर का भी, तो आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटी साइड प्रोफाइल में दिखती है। उसके बाद अपन रियर में देखते हैं, तो रियर में जो है बहुत कुछ हो रहा है और बहुत ही स्टाइलिश लगी, और मेरे को लगता है कि रियर से तो मैग्नाइट से बहुत ज्यादा बेहतर लग रही है। तो सबसे नोटिसेबल चीज है इसके जो सी शेप्ड के जो है टेल लैंप्स मिलते हैं, और ये फुली LED है, तो बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। थोड़े से जो है बाहर लगते हैं, मतलब बॉडी से थोड़ा सा बाहर लगते हैं, तो रियर से जो है काफी मस्कुलर प्रोफाइल आता है इसका। फ्रंट में इसमें स्किड प्लेट नहीं मिलती, लेकिन रियर में आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी मिल जाती है, काफी बड़े बंपर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, काफी स्लिम रिफ्लेक्टर्स हैं। बीच में आपको रेनो का लोगो, काइगर की बैजिंग, और इसके ऊपर का अच्छा खासा जो आपको आर्चेस मिलता है। अब यहाँ भी चीजें एंड नहीं होती, जब आप ऊपर देखते हैं तो जो स्पॉइलर है इसके विंग शेप्ड के हैं, विंग शेप्ड यानी काफी जो है वाइड लगते हैं, और मिडिल में जो है आपको जो है इसका स्टॉप लाइट दिखता है। उसके ऊपर आपको जो है शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, रूफ रेल्स मिल जाते हैं, और वर्किंग रूफ रेल्स है गाइस ये, और वर्किंग रूफ रेल्स है। तो अब इसकी लोड कैपेसिटी जो पता नहीं है, लेकिन ये वर्किंग रूफ रेल्स आपको मिलते हैं। तो ये हो गई गाइस रेनो की काइगर। उसके बाद अपन देख लेते हैं निसान मैग्नाइट की बात करें गाइस, तो ये भी कहीं कम नहीं पड़ती, बहुत ही स्टाइलिश आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, बिग साइज ग्रिल मिलता है, बिल्कुल पियानो ब्लैक फिनिश, ब्लैक में आपको जो है ग्रिल मिल जाता है, क्रोम की उसमें बहुत बढ़िया गार्निश मिल जाती है। जो DRL यूनिट है गाइस ये बिल्कुल बीट करते हैं जो काइगर है उससे, बहुत ही अच्छे जो है इसके DRL यूनिट लगते हैं। इसमें आपको फ्रंट में स्किड प्लेट भी मिलती है जो कि सिल्वर कलर की मिलती है। तो ओवरऑल देखिए फ्रंट से जो है मैग्नाइट बहुत अच्छी लगती है, रियर से जो है काइगर बहुत अच्छी लगती है, ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए इस फ्रंट प्रोफाइल तो निसान मैग्नाइट की बहुत तगड़ी है। और उसके बाद अपन देख लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल, तो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती जो है आपको काइगर से मिलती है। और उसमें आपको जो डोर हैंडल्स है ये जो है क्रोम में मिलेंगे, नीचे आपको सिल्वर कलर की एक स्किड प्लेट मिल जाएगी। इसके जो अलॉय व्हील्स हैं ये भी CNC कट है, लेकिन ये आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, आपको जो अलॉय व्हील पसंद आ रहे हो तो दोनों के अलॉय व्हील्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, CNC कट मिलते हैं। इसमें भी आपको ए पिलर ब्लैक आउट मिलता है, बी पिलर ब्लैक आउट मिलता है, और सी पिलर भी ब्लैक आउट मिलता है, लेकिन इसमें आपको जो है फ्लोटिंग रूफ वाला इफेक्ट नहीं मिलता है, रूफ रेल्स मिलते हैं लेकिन वर्किंग रूफ रेल्स नहीं है। तो ये गाइस हो गया इसका फ्रंट। और इसके बाद अपन रियर देखते हैं, तो रियर भी काफी स्टाइलिश है इसका, और इसमें आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, और नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है निसान की बैजिंग, मैग्नाइट की बैजिंग। तो ओवरऑल दोनों कार्स देखिए लुक वाइज जिस प्राइस में आती हैं
तो काफ़ी तगड़ी लगती हैं। अब अपन देख लेते हैं इनके डायमेंशंस क्या है। तो डायमेंशंस आप देखेंगे तो डायमेंशन देख लेते हैं दोनों के। तो काइगर का देखिए आप 39991 mm और मैग्नाइट का 3994 mm, तो बिल्कुल सिमिलर डायमेंशंस आपको मिलने वाले हैं। ऐसे ही आप विड्थ में देखेंगे तो 1750 mm काइगर का और 1758 mm मैग्नाइट का। हाइट की बात करें तो 1600 mm की जो है आपको इसमें हाइट काइगर में मिल जाती है और 1572 mm की जो है आपको मैग्नाइट में मिल जाती है। व्हील बेस की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर व्हील बेस है क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म है, तो आप 2.5 mm का जो है इसमें व्हील बेस मिल जाता है। अब एक चीज और है, दोनों के बूट स्पेस में आपको देखें तो मैग्नाइट में सिर्फ 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और काइगर में आपको 405 लीटर का जो है बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पे जो है काइगर थोड़ा सा खेल कर गई है क्योंकि यहाँ पे आपको जो है बहुत अच्छा स्पेस जो है रियर में मिल जाता है। तो ये तो गाइस हो गई इनकी देखिए डायमेंशंस। अब मैं आपको बताया था कि इसमें जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस कितना मिलेगा, क्योंकि अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही मस्ट है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों में आपको जो है 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो अच्छा खासा जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सो ये हो गया गाइस इसका देखिए एक्सटीरियर डायमेंशन डिजाइन सब कुछ अपन ने देख लिया, व्हील साइज क्या है देख लिया। अब अपन जो है इसके जो है हर्ट की ओर बढ़ जाते हैं। हर्ट यानी जो है इंजन, तो दोनों ही गाड़ी में सेम इंजन मिलने वाले हैं। अब ये है कि कुछ में थोड़े से ट्रांसमिशन एक्स्ट्रा होंगे, तो जैसे ये लॉन्च हो जाती है तो कन्फर्म हो जाता है। सो अभी तो अपन जो है इनके इंजन देख लेते हैं। तो इसमें दो इंजन मिलेंगे जो कि कन्फर्म हो चुका है, सबसे पहले वो ले तो वो है गाइस 1 लीटर टर्बो इंजन जो कि 98 bhp का पावर प्रोड्यूस करेगा और 152 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और ये दोनों गाड़ी में सिमिलर आएगा। अब इसमें काइगर एक जगह और आगे निकल जाती है, वो है गाइस ड्राइविंग मोड्स। तो इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स मिलने वाले हैं नॉर्मल, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स। और ड्राइविंग मोड्स बहुत ही यूजफुल होते हैं, मैं जो है नेक्सॉन में भी यूज़ करता हूँ, यानी टाटा के कार्स में आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। अगर इतना ही इफेक्टिवली अगर इनके ड्राइविंग मोड्स भी वर्क करते हैं तो बहुत ही यूजफुल फीचर हो सकता है। और जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं कि क्लास लीडिंग आपको माइलेज मिलने वाला है, तो वो ऐसे ही क्लेम कर रहे होंगे कि जब आप इकोनॉमी मोड पर स्विच करके उसको ड्राइव करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको माइलेज मिल सकता है। तो ये बहुत ही मेजर चीज़ है गाइस, अगर आप टाटा कार्स यूज़ करते हैं तो आप समझ सकते हैं। मैंने भी यूज़ करने के बाद ही फील किया, अगर ड्राइविंग मोड्स हों तो बहुत ही स्मार्टली इफेक्टिवली आप उससे बहुत अच्छा माइलेज और पावर ले सकते हैं। तो ये इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड इंजन कौन सा मिलेगा। तो सेकंड इंजन मिलेगा इसमें 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, 3 सिलेंडर का इंजन है, सिर्फ 72 bhp का पावर प्रोड्यूस कर 96 Nm से टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, इंजन बहुत छोटा है, तो अगर आप इसके बेस और सेकंड बेस अगर मॉडल्स जो है अच्छे बजट में आते हैं, यही इंजन आपको मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा लगता है। इतना भी जो है वीक इंजन नहीं लगता, अगर आप 2-3 लोग अगर बैठाते हो तो काफ़ी अच्छा इंजन है, क्योंकि इसके दोनों इंजन में देख चुका हूँ मैग्नाइट का ऑलरेडी और सिमिलर इंजन जो है काइगर में मिलने वाले हैं। तो ये दोनों ड्राइव करके देख चुका हूँ मैं, अच्छे इंजन है और आई थिंक टर्बो इंजन बहुत अच्छा अगर सही प्राइस में आपको काइगर में मिल जाता है। तो ये सब तो हो गया गाइस इंजन डिजाइन वगैरह। अब अपन देख लेते हैं इसके इंटीरियर में, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों ने बिल्कुल भर भर के जो है फीचर्स आपको प्रोवाइड करे, तो वही सब अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन चीज, जैसे ही आप इंटर होंगे तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे 8 inches का आपको टच स्क्रीन मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली फंक्शन मिल जाएगा। अब जो इसमें काइगर थोड़ा सा एड निकल गई, इसमें आपको वॉइस रिकॉग्निशन फंक्शन भी मिल जाएगा और काइगर एक चीज जहां और निकली इसमें आपको एयर प्यूरीफायर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इतनी मेजर चीज नहीं है लेकिन इसमें मिल जाता है तो अच्छी बात है। अब दोनों में जो है आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, 7 inches का आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाएगा सेमी डिजिटल, तो थोड़ा सा कार्टूनिश लगता है, मैग्नाइट का लाइव मैंने देखा था तो मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा सा कार्टूनिश लगता है, और लेकिन जो है काइगर का जैसा अभी देख रहे हैं अपन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। डैशबोर्ड क्वालिटी की बात करें तो आई थिंक काइगर में आपको बैटर मिलेगी, लेकिन जब अपन लाइव इसको देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे को लगता है काइगर में थोड़ा सा बैटर मिलेगी। सेम आपको आरचेस वाला जो डिजाइन एसी वेंट्स में मिल जाता है। उसके बाद देख लेते हैं ड्राइविंग मोड्स का स्पेस मिल जाता है, 5-speed का ट्रांसमिशन मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स मिल जाती हैं और एसी वेंट्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर क्वालिटीज आपको मिल जाती है, तो बिल्कुल भर भर के फीचर्स मिलते हैं। रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है, क्लास लीडिंग स्पेस जो है इंटीरियर प्रोवाइड करा गया है, ऐसा जो है रेनो की काइगर का कहना, और लोग जो ये कर भी सकते हैं। जब इनकी ड्राइवर देखी थी मैंने तभी मैं शॉक था कि यार इतनी सी गाड़ी में इतना स्पेस इन लोगों ने निकाल लिया, सारी सीट्स में जो इन लोगों ने सेटिंग के ऑप्शन दिए थे, तो ये रेनो कर भी सकता है। और क्लास लीडिंग जो है शोल्डर का स्पेस देने का भी ये क्लेम कर रही है, तो बहुत ही तगड़ा स्पेस होने वाला है काइगर में भी।
और दोनों गाड़ी बिल्कुल जो है कॉम्पिटिटिव लग रही है मुझे। तो ये तो गाइस देख लिया अपन ने इसका इंटीरियर, अब बात कर लेते हैं बहुत ही एक मेजर पॉइंट है रेनो के पास, वो है गाइस इनका सर्विस नेटवर्क। तो सर्विस नेटवर्क इन्हें आज भी मेंशन किया था जब लॉन्च करी थी, तो इसमें 500 प्लस इनके पास डीलर्स हैं, 475 प्लस जो है सर्विस सेंटर्स जो है रेनो के पास है, तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। और मैग्नाइट को आप देखें तो सिर्फ 166 जो है इनके पास सर्विस सेंटर्स और डीलर्स हैं, तो बहुत ही कम है कंपैरिजन में, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट हो सकता है अगर आप रेनॉल्ट की काइगर को कंसिडर करते हैं। अभी देखिए प्राइस अनवील नहीं की है, लेकिन बिल्कुल मेरे को लगता है कि लगभग 5 से 6 लाख के बीच में ही ये दे देंगे, क्योंकि 5,50,000 से आप निसान मैग्नाइट भी स्टार्ट होती है, तो लगभग इसी प्राइस में जो आपको दे देंगे। तो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो मुझे लगता है वो है गाइस इसका सर्विस नेटवर्क, इसको आप कंसिडर करिए बिल्कुल। सो यही थी गाइस इसकी फुल डिटेल, और जैसे ही इसके सारे वेरियंट्स लॉन्च हो जाते हैं, प्राइसिंग लॉन्च हो जाती है, इंजन सब कुछ क्लियरफाई हो जाती है, तो फुल डिटेल रिव्यू मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।